राशन आपके ग्राम योजनांतर्गत वाहन मालिकों को 4 माह से नहीं मिला भुगतान, अब कलेक्टर से मिला आश्वासन। डिंडोरी में राशन आपके ग्राम योजनांतर्गत वाहन मालिकों को 4 माह से भुगतान नहीं होने पर बेरोजगार युवाओं ने कलेक्टर विकास मिश्रा को समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि शासकीय योजना अंतर्गत हम बेरोजगार युवकों को शासन के सहयोग से मिनी ट्रक, छोटा हाथी या पिकअप वाहन खरीदने के लिए लोन एवं प्रोत्साहित करने के लिए राशन आपके ग्राम योजना से जोड़ दिया गया था, परंतु विगत 4 माह से किए गए कार्य की राशि का भुगतान नहीं होने से वाहन के लिए ईंधन, मेंटेनेंस के साथ ही लोन की किस्तें जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोन की किस्त जमा नहीं होने पर पेनल्टी सहित वसूली की जाती है। वाहन मालिकों ने 4 माह की राशि शीघ्र भुगतान कराने और प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बिल के भुगतान की मांग की है। जी, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के तहत जो है आप लोग आए हैं और अभी आपका दिसंबर तक का आपको मानदेय मिला, उसके बाद का मानदेय नहीं मिला। मैंने अभी जस्ट फूड कमीशन साहब से बात की है, तो कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा मेरे ख्याल से, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर कह रहे हैं 10 तक हम आपको मानदेय भिजवा देंगे। दूसरा, आपने एक नया डिमांड अभी किया है कि चूंकि 6 महीने में रिव्यू करने का मामला है, तो अभी MCC लगा हुआ है, तो अभी संभव नहीं है। जून में हम इनका प्रस्ताव भेजेंगे, ताकि चूंकि अभी 1,000 लोग बढ़ गए हैं, तो इस हिसाब से फिर इनको आगे मानदेय बढ़ाने की सरकार विचार करे, इसके लिए हम लोग यहाँ से प्रस्ताव इनके लिए। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना से वाहन प्रभारी हूँ मैं, और हमारा जो है सरकार की योजना अंतर्गत हमको ट्राइबल एरिया में मध्य प्रदेश आसन से गाड़ी प्रदान किया गया था, जिसकी भुगतान राशि जो है दिसंबर मास से अभी तक नहीं मिल पाया है, जिससे हमको जो है अपने जीवन यापन, रोजी रोटी प्लस गाड़ी चलाने में, डीजल मेंटेनेंस करने में, किराया भाड़ा में सब में दिक्कत आ रहा है। सर, अब जो हमको मासिक भुगतान जो है मंथली जो मिलता है उसमें से लेकर दिसंबर से लेकर 3 मार्च तक का भी समय राशि मान के चलिए सर, अपना गाड़ी है 2 टन वाला, 31,000 के मानते हैं, 31,000 सर। अब इससे पहले हम बिल का जो है मासिक हिसाब से हम जमा करते थे, और उस हिसाब से जो है 10-15 तारीख का वहाँ से हमको मिलता था कि आपका भुगतान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक भुगतान हमारा नहीं हो पाया। कितने लोग हैं आप लोग? ये मान के चलिए डोरी सहपुरा 41 गाड़ी है। किसी को नहीं मिला? जिले वाले किसी जी सर, तो क्या दिक्कत जा रही है आप लोगों को, किस्त वगैरह बता रहे हैं? सर, अभी तक की स्थिति में बहुत परेशानियां हैं हमको गाड़ी चलाने में। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमको समय सीमा पर जो है 10 तारीख के अंदर भी हमारे भुगतान हर महीने पे कर दिया जाए, क्योंकि हमको डीजल प्लस गाड़ी की टूट फूट से लेकर सारी चीज़ का मेंटेनेंस करना पड़ता है। किस्त भी पटाना होता है? जी, किस्त भी वहीं से कटता है। सर, अभी तक किस्त नहीं पटा है सर। अब जी बैंकों से फोन आ रहे हैं, ओवर ड्यू भी हो सकता है, बैंक वाले लगाए, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर में आकर लगे गए। नहीं सर, अभी तक की स्थिति में तो ये लग रहा है कि 4 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, तो यही लग रहा है कि हम कहाँ इसमें थोड़ा सा दिक्कत ही का सामना करना पड़ता है। नहीं, अब अभी तक की स्थिति में क्या बताएं, लेकिन कलेक्टर साहब बोले हैं कि अभी आप भोपाल से हम बात की है, 10-15 तारीख तक आपके भोपाल। मेरा नाम अनूप सिद्धू है, मैं ग्राम मानपुर से हूँ। राशन आपकी ग्राम योजना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो संचालित है आदिवासी इलाकों में, उन्हें रोक गया, उनमें से जो है हम लोगों को प्रत्येक माह हम लोग गांव-गांव जाके हम लोग राशन पहुंचाते हैं, उसमें 1 टन की गाड़ी है और 2 टन की भी गाड़ी है। 1 टन का भुगतान 24,000 होता है और 2 टन का भुगतान 31,000 होता है। हम लोग उस योजना के अंतर्गत जो हम लोगों को पिकअप जो मिली हुई है, हम गांव-गांव राशन पहुंचाते हैं, लेकिन 4 महीने से हम लोगों को अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग कर्ज लेकर जो है हम लोग गाड़ियाँ संचालित करते हैं, गांव-गांव तक राशन पहुँचाने काम करते हैं। हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं,
और ये कहना चाहिए कि जो हम लोगों को जो मासिक जो किस्त जो काटी जाती है बैंक के द्वारा, वो किस्त नहीं कट पाने के कारण बैंक वालों के द्वारा भी हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, फोन किया जाता है और ओवरड्यू भी लगता है। तो हमारी जो मांगे हैं, हम लोग इससे पहले जो सूचना हम लोगों को जो विभाग है उससे हम लोग सर से हम लोगों ने बात की है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा सम्मानजनक कोई ऐसा संदेश हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। आज हम लोग जिला कलेक्टर को हम लोगों ने पत्र लिखा है और कलेक्टर महोदय के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि आगामी 10 तारीख तक भुगतान आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के माध्यम से ये पूरा मध्य प्रदेश के जो नवासी जो ब्लॉक है जो आदिवासी भाइयों को जो मध्य प्रदेश के शासन के द्वारा आपके ग्राम योजना के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री राशन की योजना जो संचालित जो की जा रही है उनके माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि सभी जगह की जो आदिवासी जो हितग्राही हैं वो प्रताड़ित है, सब लोगों का भुगतान एक साथ हो जाए जिससे कि सरकार की जो योजना है उस योजना का लाभ जो है गाँव-गाँव के जो जिनको राशन पहुंचाया जा रहा है उन तक पहुंच जा सके। अभी गाड़ियां बंद है, चालू है गाड़ियां चालू है, हम लोगों ने कहीं से इधर उधर से उधार लेकर किसी भी तरीके से उधार लेकर हम लोग जो है डीजल की व्यवस्था करके हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि फंसेगी हो गई इसकी योजना में? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कभी कल मन दुखी होता है कि हम लोग इस योजना का लाभ हमको सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों को बैंक वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, फोन लगाया जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जिनके घर में आके जो है बैंक वाले वसूल ले गए, पैसे वसूल ले गए और ओवरड्यू लग रहा है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए कि समाज सेवा कर हम लोगों को कोई लाभ ज़्यादा मिलता नहीं। क्या आश्वासन दिया जी? आश्वासन क्या मिला कलेक्टर जी? कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, कलेक्टर साहब ने भोपाल में फोन के माध्यम से बातचीत की है उन्होंने और आगामी 10 तारीख तक कुछ समस्या का समाधान की बात मतलब हम लोगों के बीच में रखा।